नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और नजर डालेंगे आज की कुछ अहम खबरों पर। अजमेर कलेक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी की घर चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी का सामान बरामद भी किया और अन्य साथियों के बारे में पूछताछ जारी है। दिनांक 5/3/2022 को संजू कंवर राठौड़ ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मेरा क्वार्टर G55 PWD मदर टेरेसा के सामने मैं कोई अज्ञात चोर चोरी करके जेवरात और रुपये चोरी करके ले गया। उस मुकदमे पर अनुसंधान किया जा रहा है, तलाश मार मुलजिम की गई, एक मुलजिम को इसमें गिरफ्तार किया गया है और अनुसंधान जा रहा है। सर कुछ क्या नाम है उसका, कहाँ रहने वाला है? यह है बीरम उर्फ रणजीत उर्फ बीरमा, ये बावरी जाति का है, सियार थाना सरवार का है। रामगढ़ पछवाड़ा में कांग्रेस की डिजिटल सदस्य अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। डिजिटल सदस्यता अभियान के दौरान 5,000 कार्यकर्ता जोड़ने की योजना है। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुष्कर में फाउंडेशन फियोर दी लॉटो इंडिया ने 151 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन भेंट की है। स्कूल में आयोजित सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फियोर दी लॉटो ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम के बाद पुष्कर नगर पालिका चेयरमैन कमल पाठक, उप चेयरमैन शिव स्वरूप महर्षि ने 151 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन भेंट की। And it's an honor for me to be here today to share this Women Day with all these beautiful Indian women. And it's a pleasure to give this sewing machine for them so they can develop and be more independent. Good name? Natalia. Natalia, thank you. Yes, I'm very happy to be part of Fior di Lotto as well and doing all this nice coating. Good name? My name is Lila. Lila, where from? And I got my birthday on Women's Day, so actually especially because of the Fior di Lotto and the, we supported quite a few sewing machines together, I really wanted to be here to be part of this day today. Jema. क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? फाउंडेशन फ्योर दी लोटो इंडिया द्वारा प्रतिवर्ष महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए जाते हैं, उसी के तहत आज स्वरोजगार देने के लिए वे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत फाउंडेशन फ्योर दी लोटो इंडिया द्वारा 150 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है महिलाएं अपने आप पर डिपेंड रहे और स्वरोजगार हमारा मुख्य उद्देश्य है। आपका नाम? दीपू महर्षि, फ्योर दी लोटो फाउंडेशन अध्यक्ष। फाउंडेशन फ्योर दी लोटो के द्वारा जो महिलाओं को 151 मशीनें वितरित की गई है, इसके लिए मैं फाउंडेशन फ्योर दी लोटो के अध्यक्ष दीपू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि वो महिलाओं को उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। 650 बच्चियाँ उनके विद्यालय में कई वर्षों से पढ़ रही है और जो सरकार को काम करने चाहिए मूलभूत वो काम गरीबों की सेवा दीपू भाई कर रहे हैं, इसके लिए हम दीपू भाई का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको शक्ति दे कि वो आगे जाके और महिलाओं को और बच्चियों का भला कर सकें। आज फाउंडेशन फ्योर दी लोटो की तरफ से महिला दिवस के उपलक्ष्य में 151 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई फाउंडेशन की तरफ से। फाउंडेशन बहुत बधाई का पात्र है इसके लिए और फाउंडेशन समय समय पर गरीबों की सेवा, जिनको ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी सेवा करता रहता है। मैं फाउंडेशन के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और राजस्थान सरकार ने कल महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार देकर के उनको सम्मानित किया, जिसके लिए मैं दीपू जी महर्षि को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पीपलखूट में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह राव के नेतृत्व में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने रैली निकाली। इसके साथ ही छात्रों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी देते हुए नियमों की पालना करने की शपथ दिलवाई गई। सिरोही में जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने राज्य भारत स्काउट गाइड मुख्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान शिविर संचालक ALT बाबूलाल कालिया के नेतृत्व में प्रशिक्षु स्काउट मास्टर और छात्र अध्यापकों ने ध्वज गीत, स्काउट गीत आदि प्रस्तुत किए। वहीं जिला कलेक्टर ने स्काउट केंद्र जिला मुख्यालय के विकास के लिए हर संभव मदद और सहयोग का भरोसा दिया।
कुमारिया की झोर ग्राम पंचायत में अचानक बदले मौसम के साथ में बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद बादलों की तेज गर्जन के साथ स्कूल में लगे लाइट कनेक्शन में बिजली गिर गई, जिससे बिजली की लाइन जलकर राख हो गई। वहीं बिजली गिरने से 20,000 का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत रही कि विद्यालय में जमीन के अंदर लगे अर्थ के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। ये रात को तेज गर्जना के साथ बिजली गिरी थी और गांव के लोगों ने यह बताया कि जोर से आवाज़ आई और वो शायद स्कूल पे गिरी। सुबह आकर के देखा तो यहाँ पर जो है वो सारे वायर वगैरह जले हुए थे। ये तो गनीमत रही कि विद्यालय के भवन को कोई नुकसान नहीं हुआ, और बाकी देखने पर यही पता चला कि बिजली गिरने की वजह से ही सारा नुकसान हुआ। बहरून में एसडीएम की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार तंबाकू मुक्त राजस्थान 100 दिवसीय कार्य योजना बनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सदस्य सचिव, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, बीडीओ सहित कई लोग मौजूद रहे। सरकार की घोषणा के अनुसार ब्लॉक स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक ली गई है, जिसमें सभी ब्लॉक लेवल के अधिकारी, ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, सभी एमओ साहिबान और बीडीओ साहिबान मौजूद थे। इस समिति के जो बैठक रखी गई है उसमें तंबाकू नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है और कोटपा अधिनियम की कुछ धाराओं के बारे में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। सवाई माधोपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मानव अधिकार संगठन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग की ओर से महिलाओं को सम्मानित किया गया, साथ ही भारतीय संविधान की उद्देशिका भेंट की गई। वही कार्यक्रम में नगर परिषद सवाई माधोपुर मल महावर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान महिला दिवस का महत्व बताते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और स्वयं को आगे बढ़ने का आह्वान किया। बस्सी क्षेत्र के हंसमहल ग्राम पंचायत के खेडलावास गांव की सीमा की नापजोक भूमि अभिलेख कर्मचारियों की ओर से ड्रोन कैमरे से की गई है। इसके बाद घर का क्षेत्रफल, व्यक्तिगत और सरकारी जमीन की नापजोक की जाएगी। इस काम में सफलता मिलने के बाद अन्य सभी गाँवों की भी नापजोक की जाएगी। धरियाबाद में चोरों ने रेडीमेड कपड़े के व्यापारी के सूने मकान को निशाना बनाया है, जिसमें 5.5 लाख रुपए सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। प्रार्थी रमेश देवासी धरियाबाद थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया है। वहीं थाना सीआई ब्रजेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और पीड़ित को जल्द से चोरी की घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। मेरा नाम रमेश देवासी है, मैं पालिका निवासी हूँ और यहाँ से मेरे 10-12 साल से दुकान है। बाजार में 3 दुकानें हैं और हम कल मेरे साथ एक घटना हुई है। चोरों ने कुछ वारदात की है और मेरे चोरी करके सामान ले गए। हम तो सब दुकान पे थे दिन भर और रात को जब हम 8:30 बजे दुकान बंद कर घर पे गए तब हमें पता चला कि अंदर सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था। और हमने जब कुंडी खोली तो पूरा सामान वगैरह सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। फिर हमने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ करते हैं। फिर हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। सीआई साहब मौके पर आए थे, थाना अधिकारी भी आए थे। फिर हमने वहाँ पर उनको सूचना की और उन्हें एफआईआर वगैरह सब करवाई। मैंने हमने फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, तब तक लिए देखते रहे टीपीवी न्यूज़।